हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम सबसे पहले सीए सेंटर दिल्ली के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हम सीए सेंटर दिल्ली परिवार की तरफ से ये उम्मीद करते हैं, जिस उद्देश्य जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़े, और हम एक दिन ऐसा आया कि हम इंडिपेंडेंस हो गए, और जिस ऑब्जेक्टिव को हमने उस समय संकल्प के रूप में लिया था, हम उम्मीद करते हैं हमेशा उस ऑब्जेक्टिव को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमेशा हम अपने देश अपने लोगों को प्राथमिकता रखेंगे, ना कि हम अपना व्यक्तिगत हित और स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए पूरी अपनी जान न्यौछावर कर दिए, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों। बहुत से, अगर हम अपने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, अगर उनका नाम लिखना शुरू कर दें तो शायद ही मुश्किल हो पाएगा कि हम जो कि पेज कम ना पड़ जाए। इस वजह से हम कुछ लोगों का नाम जो कि ले रहे हैं, हालांकि हमारे पास बहुत से पेज पड़े हुए हैं जिनको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास भी प्रतिबद्धता होती है। जो हमने कहा कि हम अपने देश अपने समुदाय और अपने जो है कि लोगों के लिए हमेशा प्राथमिकता देंगे, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी जो है कि कोशिश करेंगे कि जो अंबेडकर जी का कोड था उसको हम प्राथमिकता अब यहाँ पे याद करते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि जब हमारा व्यक्तिगत और हमारे समुदाय, जिस समुदाय से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें क्लैश या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं अपनी प्राथमिकता को, जो प्राथमिकता होगी मेरी वो हमारी समुदाय होगी, ना कि मेरा व्यक्तिगत हित होगा। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ कहते हैं अंबेडकर साहब कि अगर देश और मेरी समुदाय के बीच में इसका कोई विवाद या फिर इस तरह का जो कि स्वार्थ या फिर अलग तरीके कोई इश्यू होता है, तो हम अपने देश को जो कि प्राथमिकता देंगे, ना कि अपने समुदाय को। तो हम उन्हीं की जो ये बातों को संकल्प आज लेते हैं कि हम हमेशा अपने देश अपने लोगों के प्रति प्रेम और श्रद्धा और निष्ठा निर्वाण रहेंगे, और कभी भी हम अपने जो इंडिपेंडेंस डे के समय जो हम संकल्प लिए थे, जो हमारे इंडियन मूवमेंट थे लीडर थे, हम उनके जो संकल्प था हम हमको पूरा करेंगे। चाहे गांधी जी ने संकल्प लिया, चाहे अंबेडकर ने लिया, या फिर पटेल जी ने लिया। पटेल ने कहा अखंडता, अखंडता हम हमेशा बरकरार रखेंगे अपने देश की किसी भी हद तक जा करके। जैसे हमारा ये भी संत मानवता और शांति, हम जो है कि उसे पूरे देश को सिखाया है, जहाँ पे गांधी पटेल नेहरू जैसे लोग विद्वान पैदा हुए, तो उसी तरह बुद्ध भी पैदा हुए, जो हमें एक ऐसी रास्ता दिखाए जो पूरे विश्व का एक धर्म के रूप में हमने निर्वहन किया है। जो हम इतने महान योद्धाओं को, या फिर महान जो कि हमारे लीडर्स को, जो कि भारत माता ने जो जन्म दिया, और उनको हम आज फिर से नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, और एक बार फिर सीएस सेंटर दिल्ली परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ इंडिपेंडेंस डे की। और हम चाहते हैं कि पूरे जोश के साथ और संकल्प के साथ हम जैसे न्यू ईयर पे संकल्प लेते हैं कि हमें एक रिजोल्यूशन के रूप में काम करना है, तो उसी तरह आज हम संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा देश को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, और देते रहे हैं। तभी आज विश्व का टॉप 5 और विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारा देश, जहां तक मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ, प्रतिनिधि करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो उसमें इंडिया को प्राथमिकता देगी। हालांकि आज भी प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि विश्व का सबसे जो कि प्रधान देश बने, जैसे हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी को पूरे देश को पूरे विश्व को हमने सिखाया, ठीक है, उसी तरफ से। तो फिर लास्ट में मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे के रूप में कि आप लोग जरूर अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा देश के लिए रखिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में या फिर जो मैंने अपना प्रवचन जो भी दिया, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।